नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में फिर से बढ़ने लगा कोरोना, सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को एक ही दिन मिलेगा नियुक्ति पत्र। ठंड में बारिश से ठिठुरा बिहार, मई तक हर हाल में गांधी सेतु के जीर्णोद्धार को लेकर जारी हुआ आदेश। पैसे लेकर 12 महीने के अंदर घर नहीं बनाया तो वसूली तय। अब चले बढ़ते हैं बिहार के शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में फिर से बढ़ने लगा कोरोना, देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने के साथ ही बिहार के कई जिलों में भी मामलों में अब बढ़ोतरी होने लगी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 77 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 215 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो औरंगाबाद में 1, दरभंगा में 1, गया में 29, जहानाबाद में 4, किशनगंज में 1, मुजफ्फरपुर में 2, नालंदा में 3, पटना में 26, समस्तीपुर में 3, सीतामढ़ी में 1, सिवान में 1, सुपौल में 2, वैशाली में 1, वेस्ट चंपारण में 1, वहीं अन्य राज्यों से आए एक सैंपल की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 1,69,661 सैंपल की जांच की गई, वहीं 17 मरीज इस दौरान ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। सीएम नीतीश ने की मुजफ्फरपुर सहित 4 जिलों की समीक्षा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष मुजफ्फरपुर में समाज सुधार अभियान के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी और शिवहर जिले की संयुक्त समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार सिंह ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मध्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के अंतर्गत वाहनों की नीलामी, उत्पाद एवं पुलिस के अधीन जब्त शराब का विनिष्टीकरण, उत्पाद वादों की अद्यतन स्थिति, उत्पाद आसूचना, केंद्र सतत जीविकोपार्जन योजना, नीरा उत्पादन आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित प्रतिवेदन में बाल विवाह की स्थिति, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज कांडों की विवरणी, जन जागरूकता और प्रचार प्रसार, बाल विवाह और दहेज प्रथा उन्मूलन हेतु किए जा रहे काम और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के संबंध में भी जानकारी दी गई। सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को एक ही दिन मिलेगा नियुक्ति पत्र। बिहार के सभी चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। बिहार में चयनित सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को एक साथ नियोजन पत्र दिए जाने का काम किया जाना है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर 25 फरवरी 2022 का दिन चुन लिया है, जिसको लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ को पत्र जारी किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा है कि प्रारंभिक विद्यालय में शिक्षा के पद पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से फरवरी के तीसरे सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया गया था। इस आलोक में अपेक्षित है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों का शैक्षणिक प्रमाण पत्र का सत्यापन फरवरी 2020 के तीसरे सप्ताह से पहले ही पूरा कर लिया जाएगा। ठंड में बारिश से ठिठुरा बिहार, बीते 2 दिनों से बिहार में लगातार बारिश देखने को मिली, जिससे ठंड में इजाफा हुआ। हालांकि आज सुबह की बात करें तो पटना समेत कई जिलों में मौसम साफ दिखा और धूप निकलने के कारण लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। बिहार के मौसम के बदलते मिजाज पर मौसम विज्ञानियों ने भी बड़ी बात कही है। मौसम विभाग की माने तो बिहार में पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हवा का प्रवाह बने होने के साथ ही एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र मध्य उत्तर प्रदेश के आसपास है। प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरे का कहर रहने वाला है। वहीं 31 दिसंबर के बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस बारिश से रबी फसलों को फायदा होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, इन सब के बीच मौसम विभाग ने पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर जिले के कुछ भागों में हल्के मेघ गर्जन के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना भी आज जताई है। मई तक हर हाल में गांधी सेतु के जीर्णोद्धार को लेकर जारी हुआ आदेश। बिहार में चल रही महत्वपूर्ण मेगा पुलिया और सड़क परियोजनाओं की समीक्षा बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने की। इस दौरान बीते दिन विभागीय सभागार में अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में मंत्री ने 8 बड़ी परियोजनाओं की समीक्षा की। अधिकारियों की इन परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही हर हाल में महात्मा गांधी सेतु के जीर्णोद्धार कार्य को 15 मई 2022 तक पूरा करने को कहा गया है। इतना ही नहीं, मंत्री जी ने यह भी साफ किया है कि इस अवधि के बाद एजेंसी को अवधि विस्तार नहीं दिया जाएगा। उत्तर बिहार के लिए यह परियोजना लाइफलाइन है। वहीं गांधी सेतु के समानांतर बनने वाले नए पुल पर कहा है कि अक्टूबर 2024 में इसे पूरा करना ही होगा। बिहार पुलिस में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर तक की संविदा पर होगी बहाली।
पुलिस मुख्यालय ने हाल ही में सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों को एक साल के लिए संविदा पर बहाल करने का निर्णय ले लिया है, जिसके तहत 1 अप्रैल 2020 से 31 जुलाई 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले सिपाही से लेकर पुलिस निरीक्षक तक के कर्मियों और पदाधिकारियों को नियोजन का मौका मिलने वाला है। बिहार पुलिस के कार्मिक और कल्याण प्रभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार ये संविदा नियोजन आदेश निर्गत होने की तारीख से मात्र एक साल के लिए प्रभावी होगा। एक साल के अंदर संबंधित पद पर नियमित प्रोन्नति या नियुक्ति से सुयोग्य कर्मी उपलब्ध होने पर संविदा नियोजन स्वतः समाप्त हो जाएगा। ध्यान रहे, संविदा पर नियोजन के लिए अर्हता प्राप्त पुलिसकर्मी और पदाधिकारियों को 31 दिसंबर तक आवेदन समर्पित करने को कहा गया है। सोने चांदी में खेल रहे हैं बिहार के अफसर। आय से अधिक संपत्ति के आरोप में अब तक आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी विभाग की टीम ने कई अफसरों के घरों में घुसकर छापेमारी की है। बिहार में भ्रष्टाचार के प्रति नीतीश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के बावजूद बहुत से क्लर्कों से लेकर आईपीएस अफसरों तक ने अपनी आय से कई गुना अधिक संपत्ति अर्जित की है। आलम कुछ यूं है कि सोने चांदी की ईंटें, नकदी और प्रॉपर्टी कागजात के ढेर हर दिन किसी न किसी अधिकारी के घर आपको दिख जाएंगे। सबसे अजीब बात यह है कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एमवीआई से लेकर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर, कार्यपालक अभियंता, सिपाही, पुलिस अधीक्षक और सब रजिस्ट्रार से लेकर वाइस चांसलर तक हर स्तर के अधिकारी और कर्मचारी कार्रवाई की जद में आए हैं। बिहार में न्यायाधीशों की सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। बिहार में न्यायाधीशों की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती मिलने वाली है, जिसको लेकर लगातार मॉनिटरिंग का काम किया जाना है। पटना हाईकोर्ट से लेकर जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के जजों के साथ न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा उपाय को लेकर सुरक्षा पुनरीक्षण समूह यानी कि प्रोटेक्शन रिव्यू ग्रुप का गठन किया गया है। यह समूह जजों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के उपाय तो करेगा ही, साथ ही पूरी व्यवस्था का पुनरीक्षण भी करेगा। गृह मंत्रालय के निर्देश के आलोक में गृह विभाग ने इससे जुड़ी अधिसूचना जारी कर दी है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। सुरक्षा पुनरीक्षण समूह में 6 सदस्य होंगे। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव इसके अध्यक्ष होंगे। सबसे खास बात यह है कि सुरक्षा पुनरीक्षण समूह की बैठक प्रत्येक 6 महीने पर अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा के द्वारा बुलाई जाएगी। पैसे लेकर 12 महीने के अंदर घर नहीं बनाया तो वसूली तय। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बिहार में आवास की स्वीकृति के समय हर लाभुक संबंधित प्रखंड कार्यालय से करार करने की बात कही गई है, जिससे कि लाभुक अब अपने करार में बताएंगे कि आवास स्वीकृति के 12 महीने के अंदर अनिवार्य रूप से आवास का निर्माण कर उसका फोटो साक्षी कार्यालय को उपलब्ध करवाए गए हैं या नहीं। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनसे नियमानुसार राशि की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और उप विकास आयुक्तों को पत्र जारी किया है। विभाग ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत किए जाने वाले आवास को लेकर यह निर्देश दिया है। इसकी कार्रवाई अंतिम चरण में है और जनवरी में स्वीकृत कर आवास के लिए पहली किश्त जारी भी कर दी जानी है। नए साल में बिहार के 12 जिलों के ट्रैफिक का जायजा लेंगे आईजी। विभिन्न शहरों में ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, जिसके तहत नए साल में शहरों में ट्रैफिक का जायजा लेने ट्रैफिक आईजी खुद निकलने वाले हैं। अगले सप्ताह से आईजी एमआर नायक भागलपुर के अलावा पूर्णिया, कटिहार, बेगूसराय, मुंगेर, नालंदा, पटना, भोजपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, गया और पटना ट्रैफिक एसपी कार्यालय में बैठक कर इसकी समीक्षा करेंगे। ट्रैफिक आईजी जिन 12 शहरों में समीक्षा करने वाले हैं, वहां 7 बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा होनी है, जिसमें सड़क दुर्घटना, दुर्घटना के कारण शहर या जिले में चिन्हित ब्लैक स्पॉट, ट्रैफिक थाने में मैन पावर उपकरणों का इस्तेमाल और उसकी कमी आदि शामिल होगी। नए साल में उपभोक्ताओं को झटका देगी बिजली। नया साल आने में बस एक ही दिन का समय बचा हुआ है, ऐसे में नए साल के साथ नए नियमों का सामना बिहारवासियों को करना पड़ सकता है। हालांकि इन सबके बीच आने वाले नए साल में बिजली उपभोक्ताओं को लेकर बड़ी बात कही जा रही है। खबरों की माने तो नए साल में उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है। बिहार की बिजली कंपनियां साउथ और नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिजली कीमतों में इजाफे का प्रस्ताव दिया है, जिस पर 13 जनवरी से जनसुनवाई शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अब 2 स्लैब में बिजली की कीमतें वसूली जाएंगी। फिक्स चार्ज में 10% और बिजली दरों में 15% वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया है। आपको बता दें, 2019 तक 4 स्लैब थे, जिसे 2020 में घटाकर 3 स्लैब कर दिया गया था। वहीं अब 2 स्लैब करने का प्रस्ताव है। क्रिसमस मनाकर पत्नी राजश्री के साथ पटना लौटे तेजस्वी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव क्रिसमस की छुट्टी मनाने के बाद आज सुबह सुबह बिहार वापस लौटा है, जिसके बाद पटना पहुंचते उन्होंने मीडिया से बातचीत की। साथ ही इस दौरान सीएम नीतीश पर जमकर निशाना भी साधा, जिसके तहत मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शराबबंदी के मुद्दे पर घिर चुके हैं, लिहाजा वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। समाज सुधार यात्रा क्या है ये सिर्फ मुख्यमंत्री को ही पता है। सीएम को भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा, बेरोजगारी नहीं दिख रही, बिहार के हालात क्या है ये नहीं दिख रहा, और मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी पर लगे हुए हैं।
संपत्ति छुपाने के आरोप में तेज प्रताप यादव पर केस दर्ज। हसनपुर से विधायक और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब संपत्ति छुपाने के आरोप में समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाने में FIR करवाया गया है। उन पर 2020 के विधानसभा चुनाव में गलत शपथ पत्र दाखिल करने का आरोप लगाया गया है। हसनपुर विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी और DCLR सह SDO ब्रजेश कुमार के आवेदन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125 के तहत मामला दर्ज कराया गया। उन पर संपत्ति छुपाने का आरोप लगा है। प्राथमिकी के अनुसार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना के तहत 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद प्रत्याशी के रूप में 13 अक्टूबर 2020 को तेज प्रताप यादव ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया था। इस दौरान उन्होंने शपथ पत्र में अचल संपत्ति की गलत जानकारी दी थी। 15 से 18 साल के बच्चों को लगने वाली वैक्सीन को लेकर शिक्षा विभाग ने जारी किया दिशा निर्देश। केंद्र सरकार आगामी 3 जनवरी से 15 से 18 साल के उम्र के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीनेट करने जा रही है, जिसको लेकर बिहार सरकार की तरफ से भी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इसको लेकर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से सभी जिलों के सिविल सर्जन और जिला शिक्षा अधिकारी को लेटर लिखकर वैक्सीनेशन के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से लिखे गए लेटर में यह दिशा निर्देश दिया गया है कि वैक्सीनेशन के पात्र सभी किशोर किशोरियों को 28 दिन के अंतराल में ही कोवैक्सीन की 2 डोज दिए जाएंगे। इसके लिए आगामी 1 जनवरी से कोविन पोर्टल पर पंजीकरण शुरू किया जाएगा। टीकाकरण के लिए उच्च और इंटरमीडिएट विद्यालय स्तर पर सत्र का आयोजन किया जाएगा। नई गेंद को लेकर अंपायर से भिड़े कप्तान विराट कोहली। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ऑन फील्ड अपने अग्रेशन के लिए जाने जाते हैं। जहां टीम की बात आती है, वो अंपायर से भिड़ने से भी पीछे नहीं रहते। सेंचुरियन टेस्ट के 4th दिन भी ऐसा ही हुआ, जब नई गेंद नहीं मिलने पर विराट कोहली को गुस्सा आ गया। दक्षिण अफ्रीकी टीम दूसरी पारी की शुरुआत करने जैसे ही मैदान पर उतरी, कप्तान विराट कोहली ने मैच को रोक दिया और वो अंपायर के पास पहुंच गए। विराट फील्ड सजा चुके थे, लेकिन नई गेंद नहीं चुनने का मौका नहीं मिलने से काफी खफा नजर आ रहे थे। विराट ने कहा कि उन्हें नई गेंद चुनने का मौका नहीं दिया गया। इस पूरी बहस के बीच करीब 10 मिनट का खेल बर्बाद हुआ। इसके बाद अंपायर ने नई गेंद का बॉक्स मंगवाया। आर अश्विन, मोहम्मद सिराज, शार्दुल ठाकुर और विराट कोहली ने मिलकर गेंदों की सिम चेक की और फिर अश्विन ने नई गेंद चुनी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है नीतीश कुमार, अभिषेक कुमार, माइकल मुर्मू, अमित सिंह, मनीष कुमार पटेल, नुन्नू कुमार, बबलू यादव, नौलेश कुमार, विकास कुमार, मोहम्मद यूसुफ, अपना भोजपुरी फिल्म्स। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए क्या वीकेंड लॉकडाउन जैसे नियमों को लागू कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।